जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामना यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको चंद्रमा के राशि परिवर्तन से 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य जब विवाह मुहूर्त की तिथि निर्धारित है, उन दिनों में जिन सात राशि के जातकों के जो हैं विवाह के योग, सगाई के योग बन रहे हैं, उनके रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं, उनके घर अचानक रिश्ते आ सकते हैं। इसके अलावा उनके सगाई और विवाह की सभी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी आपको पूर्ण रूपेण कुंडली पर आधारित रहती है, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आधारित रहती है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी प्रपंच नहीं जोड़ा जाता है और सभी जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य और सटीक रहती है। तो ग्रहों का जो है खेल नवमंडल में चलता रहता है और ग्रह जो एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो इससे उस ग्रह के उस राशि के जातक को शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है। तो शुभ ग्रह के रहने पर जो है शुभ फल प्राप्त होता है, अशुभ ग्रह के रहने पर अशुभ फल प्राप्त होता है। तो इससे जो है जातक के विवाह में भी जो है बाधा आने के योग बनते हैं और शादी तय होने के भी योग बनते हैं। तो इसी के आधार पर आज की वीडियो में आपको उन सात राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही आपको अचानक रिश्ते कैसे आ सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा किस नाम से शादी हो सकती है, किस दिशा में हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, यह सभी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाएगी। आइए उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको उपरोक्त बात भी पहले बताई है, तो केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर विवाह की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी आपको पूर्ण रूपेण कुंडली पर दी जाती है, यानी कुंडली देखकर और उसका विश्लेषण कर दी जाती है। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पति सरकारी नौकरी वाला होगा, निजी कंपनी में कार्य करने वाला होगा या वह कारोबारी होगा, परिवार में कितने भाई बहन होंगे, परिवार में सासू माँ और ससुर जी का स्वभाव कैसा रहेगा, ससुराल में घर द्वार के आसपास कौन से प्रमुख स्थान हो सकते हैं, यह सभी जानकारी जो है संतान योग, राज योग, धन योग, इसके अलावा भविष्य कैसा रहेगा, यह सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से मौखिक और लिखित किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। पूरी टीम की जो मेहनताना है उस आधार पर आपसे जो है राशि ली जाती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप कमेंट करें, आपको कमेंट में नंबर अवश्य ही दिया जाएगा। वही ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरु और शुक्र का जो है राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु वर्तमान समय में मीन राशि में है और शुक्र जो है वर्तमान समय में अभी
वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुला राशि के पश्चात मंगल वृषभ राशि में है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जो है शनि वो मकर राशि में है और राहु मेष राशि में, जबकि केतु जो है वो तुला राशि में विराजमान है। तो ग्रहों का ऐसा राशि परिवर्तन हो रखा है, आने वाले सप्ताह में ग्रह राशि परिवर्तन भी होंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर सवा दो दिनों पर जो है अपनी राशि बदलता रहता है, तो यह क्रम महीनों दिन तक चलता रहता है। तो उस आधार पर 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जिन राशियों में जो चंद्रमा का गोचर होगा उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। आइए ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चंद्रमा जो है वो राशि परिवर्तन करने जा रहा है 19 नवंबर को कन्या राशि में 5:28 पर, सवा दो दिनों के पश्चात 21 नवंबर को ये तुला राशि में, और फिर 23 नवंबर को वृषभ राशि में, इसके बाद 25 नवंबर को धनु राशि में, और फिर मकर राशि में, और इसके बाद जो है कुंभ राशि के बाद अंत में जो है यानी कि 31-30 नवंबर को जो है ये मीन राशि में गोचर करेंगे। तो कन्या, तुला, वृषभ, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों में चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है। तो इससे जो है इन राशि के जातकों के 7 दिनों में प्रबल योग बन रहे हैं, इसकी जानकारी मैं दूंगा। वही बात करें कि नवंबर महीने में क्या क्या तिथियां हैं, तो मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया कि दृक् पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से विवाह मुहूर्त का संखनाद हो रहा है, और मिथिला पंचांग के अनुसार से जो है वो 19 नवंबर से जो विवाह मुहूर्त का संखनाद हो रहा है। हालांकि 19 नवंबर को शुक्र तारा अस्त है, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो ही उस दिन विवाह या 20 तारीख को करने सूत्र में बंधे, अन्यथा आप 21 नवंबर के दिन का चयन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन से जो है शुक्र तारा उदय हो जाएगा और उसके पश्चात करने सूत्र में बन सकते हैं। वहीं आपको उससे पहले मैं आपको उन नामों के बारे में, उन राशियों के बारे में बताने से पहले आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूं, इसका अवश्य ख्याल रखें विवाह संबंध में, क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो फिर जो है जीवन साथी के साथ आपका वैवाहिक जीवन सुखमय अवश्य ही बीतेगा। क्योंकि लोग जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनके वैवाहिक जीवन में जो है परेशानियां आती है। हालांकि बहुत कुछ निर्भर करता है कुंडली मिलान पर, कि अगर कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो उसका निवारण अनिवार्य होता है। अगर निवारण करा लेते हैं तो किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई नियमों का पालन नहीं करते तो भी परेशानी आती, तो इसके लिए सभी नियमों का निष्ठापूर्वक श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव से अवश्य ही पूर्ण करें। कुल देवी देवता की पूजा पाठ अवश्य करें, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। सर्वप्रथम कुल देवी देवता को ही पूजें, इसके पश्चात ही अन्य देवी देवताओं को पूजें, यानी कि विवाह जो है उसके दौरान जो है सर्वप्रथम कुल देवी देवता की पूजा की जाती है। तो आइए कुछ प्राथमिक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ कि विवाह के लिए शुभ दिन कौन सा होता है। तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन शुभ होता है। शास्त्र में मंगलवार का दिन निषेध है, तो मंगलवार के दिन विवाह तय बिल्कुल ना करें। शुभ तिथियों की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि शुभ है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला सबसे शुभ माना जाता है। शुभ लग्न राशि की बात करें तो मिथुन, कन्या और तुला ये शुभ लग्न राशि है। शुभ तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र तारा का उदय होना बहुत जरूरी है। सूर्य भ्रमण की बात करें तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि जो है महत्वपूर्ण होते हैं। शुभ नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ नक्षत्र होते हैं। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलव, टैकला, गारु, वनिजा और करण ये शुभ करण माने जाते हैं। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग, हर्षण योग, इनमें सौभाग्य योग सबसे उत्तम माना जाता है। तो सौभाग्य योग में विवाह करना अधिक श्रेष्ठकर होता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको चंद्रमा की राशि परिवर्तन से, इसके अलावा विवाह में महत्वपूर्ण जो बातें उनका अवश्य ध्यान रखें उस बारे में बताया। आइए अब मैं आपको उन नामों के बारे में बताता हूँ जिनसे आपके सगाई शादी के प्रबल योग बन रहे, जिन 7 राशियों में। तो पहला नाम अक्षर डी से शुरू होता है यानी मीन राशि। तो मीन राशि के लड़के और लड़की के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर डी से शुरू होता है, और इनके विवाह जो है SGB नाम के जातक से होते हैं। बात करें दिशा की तो उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान पूर्व में शादी के आपके लिए योग बन रहे। अगर आप डी अक्षर के नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी
सीता, संगीता, गीता, वीना, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से हो सकती है। वहीं बात करें डी नाम की लड़कियों की, तो डी नाम की लड़कियों की शादी संकल्प, सोनू, सुधीर, संजीव, गौरव, विवेक, गणेश आदि नाम से होने की संभावना बन रही है। बात करें अगली राशि की तो धनु राशि है और इनका नाम अक्षर एफ से शुरू होता है। एफ अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि धनु होती है। हालांकि एफ नाम के जातक अधिकतर इस्लाम धर्म में होते हैं, लेकिन एफ नाम के जातक सनातन धर्म में भी होते हैं। तो अगर आपका नाम अक्षर एफ से शुरू होता है तो आपकी जो शादी है वो, अगर आप लड़के हैं तो फिर सीता, संगीता आदि नाम से हो सकती है, यानी कि सौ नाम से। इसके अलावा गीता, वीना आदि नाम से भी हो सकती है। वहीं बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए भी जो है एस नाम के जातक से विवाह के योग है, यानी कि मीन राशि के जातक और धनु राशि के जातक की लड़कियों के जो है विवाह के योग एस नाम के जातक से हो सकते हैं। तो संकल्प, सुधीर, संजीव, सोनू, गौरव, विवेक आदि नाम से होने के प्रबल योग है। अगला नाम अक्षर या राशि की बात करें तो मकर राशि है। मकर राशि के लड़के लड़की जो मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जे से शुरू होता है। जे नाम के लड़के और लड़की की शादी आर, ए, एस नाम के जातक से होने की संभावना अधिक रहती है। वहीं बात करें दिशा की तो पश्चिम दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। वहीं धनु राशि के जातकों के भी ईशान कोण में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। अगर आप जे अक्षर के नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी रचना, रिंकू, रिता, अनन्या, सुधा, सावित्री, शिल्पी आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप जे नाम की लड़कियां हैं तो आपकी शादी राहुल, रुपेश, आनंद, अर्जुन, अमिताभ, संजीव, शेखर, सोनू, सुधीर आदि नाम से हो सकती है। अगली जो राशि है वो वृषभ राशि है और इनका नाम अक्षर एन से शुरू होता है, वाई से शुरू होता है। इनके विवाह जो है एस और टी नाम से होते हैं। तो बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। तो अगर आप एन अक्षर के नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी सीता, संगीता, टीना, ईशा, इशिता आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप एन नाम की लड़कियां हैं, वाई नाम की लड़कियां हैं तो आपकी शादी सौरभ, सोनू, शेखर, तिलक, टिंकू आदि नाम से हो सकती है। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के लड़के और लड़कियों का जो नाम है वो पी से शुरू होता है। पी नाम के लड़के और लड़की की शादी एफ, डी, ए नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। बात करें दिशा की तो उत्तर दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। अगर आप पी नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी सुधा, दामिनी, आरुषि, अंशु आदि नाम से हो सकती है, यानी कि एस, डी नाम से। वहीं पी नाम की अगर आप लड़की हैं तो आपकी शादी प्रतिभा, अमित, अनुज, अमिताभ, दीवाना, साजन, संजय आदि नाम से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें आर नाम की तो आर नाम के लिए शुक्र का गोचर वर्तमान समय में तुला राशि में है, तो इस दौरान आपकी सगाई तय निश्चित हो सकते हैं। तो अगर आप आर नाम के जातक हैं, लड़के लड़की है, तो जी एम टी नाम से आपके लिए योग बन रहा है। बात करें दिशा की तो आग्नेय कोण में आपके लिए शुभ योग बन रहा है। तो अगर आप आर नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी जो है गरिमा, मोहिनी, टीना, माधुरी आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप आर नाम की लड़कियां हैं तो गणेश, मनीष, टेंकू, तिलक, महेंद्र आदि नाम से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगला नाम अक्षर जो है एस यानी कुंभ राशि से है। तो कुंभ राशि के जातकों के जो है नाम जो है वो एस से शुरू होते हैं, जी से शुरू होते हैं, और इनके विवाह के जो योग बन रहे हैं वो ए, आर, पी नाम से बन रहे हैं। तो अगर आप एस नाम के जातक हैं, लड़के हैं, तो अनीसा, अनीता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्राची, प्रेरणा आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप एस नाम की लड़कियां हैं तो आपकी जो विवाह के योग है वो पवन, प्रकाश, प्रवीण, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ आदि नाम से होने के प्रबल योग है। बात करें लव मैरिज की तो अगर जन्मदिन के अनुसार से आपको बताऊं तो 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31,
इन दिनों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लव मैरिज के योग है, वही 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25, 27 इन दिनों में अगर आपका जन्मदिन हुआ है तो आपकी लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 7 राशियों की जानकारी दी है जिनके योग बन रहे हैं 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य। 7 दिनों में सगाई के योग हैं, 7 राशियों के योग बन रहे हैं। अचानक इसका राहु केतु और शनि के वक्री से मार्गी होने से और उनके गोचर होने से बन रहे हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड थोड़ा प्लेलिस्ट पर जाएं और राशिनुसार वीडियो अवश्य देखें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना ही दूले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप स्व परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। अगर चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।